वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको फ्लड बेस्ड क्वेश्चन जो IBPS PO PRE 2018 में पूछा गया था उसे सॉल्व करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये है स्टेटमेंट आपके सामने। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अभी पॉज करना है, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए पॉज द वीडियो। अज्यूम करते हैं आपने वीडियो पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसे सॉल्व करने में आपको जितना समय लगा उस समय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे मालूम चल जाएगा कि सबसे कम टाइम में किसने इसे सही सही सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इस पजल को अटेम्प्ट लेना चाहिए था ताकि हम सबसे कम टाइम में इस पजल को अटेम्प्ट आसानी से कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट है फाइव पीपल KLMNO स्टे इन अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कुल मिला के 5% हमारे एक बिल्डिंग में लिव कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम कंप्लीट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स विज 11, 25, 37, 52 एंड 84। तो हमारे पास K से लेके O तक 5% हैं और वो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर 11, 25, 37, 52, 84 डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। गिवन है द बिल्डिंग हैज 5 फ्लोर्स एंड ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन 1 फ्लोर। कुल मिला के 5 फ्लोर हैं बिल्डिंग में और एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही पर्सन रह सकता है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर अबव 2 इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 5। एन लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड कंप्लीट्स ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर। यानी एन आपका इवन नंबर फ्लोर पे लाई करेगा। अब 1 से 5 के बीच में कौन सा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होता है, 2 और 4। यानी एन या तो 2 नंबर फ्लोर पे लाई करेगा या तो 4 नंबर फ्लोर पे लाई करेगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबल केस बनेंगे, एन या तो 2 नंबर पे या तो 4 नंबर पे। मैंने बार बार बोला है प्रिलिमिनरी एग्जाम कोई सा भी हो इस तरीके से ही क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है कि 2 पॉसिबिलिटी से ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट बैठा के 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है तो उसी स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना, पजल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली मेन डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटीज बना ली और इसमें हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जहां भी 2 से 3 पॉसिबिलिटी होगी तो मैं मेन डायग्राम में पुट नहीं करूंगा, मैं 3 डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दूंगा। तो स्टेटमेंट गिवन है even numbered floor, n lives on even numbered floor and completes odd number of order. चलिए even number floor तो कर दिया, मगर given है he completes odd number of order, यानी वो या तो 11 या तो 25 या तो 37, ये तीनों में से कोई एक order complete कर रहे हैं, odd number of order, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें put करने चलूँ तो 3 केस, इसमें put करने चलूँ तो 3 केस, कुल मिला के 6 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इसे अभी मैं अपडेट नहीं करूंगा, इसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं n इक्वल टू ऑड ऑर्डर। अगला स्टेटमेंट गिवन है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीटेड बाय n एंड पर्सन लिविंग इमीडिएटली बिलो n इज 63। टोटल जितना ऑर्डर n और उसके बिल्कुल नीचे जो लाई कर रहा है वो कंप्लीट कर रहे हैं वो 63 के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या कुछ कंडीशंस यूज कर सकता हूं, हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स गिवन है तो एक बात तो पक्का है n और उसके नीचे रहने वाला 84 तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का सम 63 के बराबर है। अब अगर मान लिया n 52 के बराबर है तो नीचे रहने वाला कितने के बराबर होगा, 63 में से 52 घटाएंगे तो 11 के बराबर। कहीं 11 है क्या, हाँ 11 डायरेक्ट है। यानी एक बात तो पक्का है कि n या तो 52 नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीट करेगा या तो 11 नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीट करेगा, मगर यहां गिवन है n ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है। यानी n आपका दोनों सिनेरियो में 11 ऑर्डर कंप्लीट करेगा और n के नीचे जो लाई कर रहे हैं वो 52 नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारा मेन डायग्राम इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगला इंफॉर्मेशन गिवन है ओनली 2 पीपल स्टे बिटवीन पर्सन कंप्लीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर एंड l। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है वो हो गया 84 ऑर्डर और l के बीच में सिर्फ 2 पर्सन रह रहे हैं। मगर क्या ये बताया है कि l ऊपर लाई कर रहा है 84 वाले से या नीचे, जी नहीं। यानी या तो 84 डबल डॉट l हो सकता है या तो l डबल डॉट 84 हो सकता है।
अब अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने पहले पॉसिबिलिटी में पुट करने चलूं, तो जरा देखते हैं कितनी पॉसिबल सिनेरियो बनती हैं। क्या मैं एल को यहां रख सकता हूं? नहीं, अगर मैं एल को यहां रखता तो 84 वाला एन इक्वल टू 11 से ओवरलैप कर लेता, तो मैं एल को यहां तो रख नहीं सकता, और नीचे भी रखूंगा तो भी नहीं रख सकता। यानी क्या मैं यहां 84 को रख सकता हूं? अगर मैं 84 को यहां रखता तो एल और एन सेम फ्लोर पे आ जाते, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या मैं 84 को यहां रख सकता हूं? हाँ, अगर मैं 84 को यहां रखता हूं तो एल वाला आपका सबसे नीचे आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर 84 को यहां रखा जाए तो एल के लिए जगह ही नहीं बचेगा। यानी इस डायग्राम से एक पॉसिबिलिटी। अब इस डायग्राम में चेक करते हैं, क्या मैं एल को यहां रख सकता था? अगर मैं एल को यहां रखता तो 84 यहां आता, पॉसिबल है। अब क्या मैं एल को यहां रख सकता था? नहीं, अगर मैं एल को यहां रखता तो 84 के लिए जगह ही नहीं बचता। यानी एल डबल डॉट 84 का सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, मगर 84 डबल डॉट एल भी तो है। क्या मैं 84 को यहां रख सकता हूं? अगर मैं 84 को यहां रखता हूं तो एल यहां आ जाएगा, हाँ यह भी पॉसिबिलिटी है। यानी इस पॉसिबिलिटी से दो पॉसिबिलिटी, कुल मिला के तीन डायग्राम बन जाएंगे हमारे पास। तीन डायग्राम तो हम प्री के एग्जाम में जनरली नहीं यूज करने वाले हैं, जनरली नहीं बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ क्लब करके इसको मैं यूज करूंगा, ताकि हमारे दो ही पॉसिबल सिनेरियो रहें, क्योंकि जितनी कम पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड रहेगी। आगे चलते हैं। गिवन है M lies above L but below N, यानी आपको इमीडिएट टर्म यूज नहीं किया है, इसका मतलब M जो है वो L के ऊपर लाई कर रहा है, हो सकता है इमीडिएट ऊपर हो मगर L के ऊपर लाई करेगा। सिमिलरली N जो है वो M के भी ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है M lies above L but below N, यानी M N से नीचे कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली N M से ऊपर लाई कर रहा है। अब एन एम से ऊपर लाई कर रहा है और एम एल से ऊपर लाई कर रहा है, यानी ऑटोमेटिकली एन कम से कम 2% एम और एल इन दोनों से तो ऊपर लाई करेगा। पहले डायग्राम में एन दूसरे फ्लोर पे है, यानी एन के नीचे सिर्फ 1% पॉसिबल है, यानी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा पहला डायग्राम आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां को इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं बोलूंगा कि मेरा पहला इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। अब एक बात और दे दिया कि L जो है वो N के नीचे लाई करेगा, यानी L जो है इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर L उस पोजीशन पे बैठता तो ये वाला इंफॉर्मेशन गलत हो जाता। तो अब अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को क्लब कर दूं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, 84 टॉप पे डबल डॉट एल यहां बैठेगा, ठीक है। यानी अब एल यहां बैठ गया, एन यहां बैठ गया, बीच का पोजीशन अभी खाली है और एल और एन के बीच में ही एम को बैठना है, यानी ऑटोमेटिकली ये जो 52 ऑर्डर है, ये 52 ऑर्डर आपका एम ने कंप्लीट किया है। तो अभी तक जितने भी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन थे सबको हमने यूज कर लिया और हमें L, M और N का पोजीशन मालूम चल गया, 84, 11 और 52 ऑर्डर का भी पोजीशन मालूम चल गया। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। गिवन है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीटेड बाय M इज लेस देन O, M आपका 52 ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है। अब 52 सिर्फ एक ही से कम है 84 ऑर्डर से, और गिवन है M जितना ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है वो O जितना ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है उससे कम है, यानी ऑटोमेटिकली 84 ऑर्डर आपका O कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यानी सबसे ऊपर O बैठेगा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है K, तो सबसे नीचे जाके आपका K बैठ जाएगा। तो हमने सारे वेरिएबल K, L, M, N, O का लोकेशन मालूम चल चुका है, सिर्फ L और K कितने कंप्लीट कर रहे हैं ऑर्डर यह मालूम करना बचा है। उसके लिए लास्ट स्टेटमेंट गिवन है, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑर्डर बिटवीन L एंड M इज ग्रेटर देन 15, M और L के बीच का डिफरेंस 15 से बड़ा है, M की वैल्यू है 52, 52 में से 15 घटाते हैं आता है 37,
यानी L 37 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 37 हो गया तो डिफरेंस 15 के बराबर हो जाएगा, गिवन है डिफरेंस 15 से बड़ा है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, यानी L जो होगा बचा हुआ 25 हो जाएगा और K आपका लास्ट बचा हुआ 37 ऑर्डर कंप्लीट करेगा। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया देन डू गिव अस 5 स्टार, रेट एंड रिव्यू द कोर्स।